आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। औरंगाबाद में मुखिया संघ की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिले भर के दर्जनों पंचायत के मुखिया शामिल हुए। बैठक के बाद मुखिया संघ के अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि नल जल योजना में गड़बड़ी का आरोप लगाकर 39 मुखिया को पद से मुक्त करने का प्रशासनिक आदेश कहीं से भी उचित नहीं है और इसका वे जमकर विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि इस योजना में मुखिया के अलावा पंचायत सचिव तथा BDO भी शामिल होते, इसलिए सिर्फ मुखिया पर किसी भी तरह की कार्रवाई पूरी तरह से बेईमानी है। उन्होंने कहा कि अगर यह फैसला वापस नहीं लिया जाएगा तो सड़क पर उतरकर वे आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। मुखिया का क्या दायित्व होता है? हम लोग का तो प्रेशर बना, पैसा ट्रांसफर करिए, कर दिए। 11 को नल जल मेरे यहाँ चल भी रहा है, पानी सूरा दे रहा है, 16-17 बीती वर्ष से भी 7 को चल रहा है। अब शुल्क लेना है ग्रामीण जनता से 30 रुपया, अभी तक कोई नहीं दे रहा। मशीनरी चीज है, इसका इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब नहीं होती है? कभी स्टार्टर जल रहा है तो मुखिया घर से लगाइए, मोटर जल रहा है तो मुखिया लगाइए। तो सरकार का इसमें क्या दायित्व है? नल जल किस लिए चला है? इसका रख रखाव के लिए कोई राशि ही नहीं आ रही है तो मुखिया क्या करेगी? मुखिया घर द्वार बेच के इसका नल जल का मरम्मती करते रहे? और मुखिया को बस आदेश आएगा कि पद से हटा देंगे। हर बार धमकी दिया जा रहा है कि पद से हटा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये क्या है? इस रवैये को आप क्या मानते हैं? इस रवैये को हम लोग गलत 100% मान रहे हैं। नहीं, हम लोग का प्रशासन इस तरह का करेंगे तो हम लोग सारा मुखिया रोड पर आ जाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। मुखिया दोषी क्यों? हम लोग पैसा ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर करने में भी पंचायत सचिव का रोल है, सिग्नेचर उनका भी होता है, उन पे कार्रवाई पहले होना चाहिए। क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं नहीं, गारंटी नहीं है, लेकिन पंचायत सचिव पढ़ा लिखा है तभी उसको नौकरी, सरकारी नौकरी मिला। उनका पेमेंट 50-55 हजार है, हम लोग पेमेंट 2500 रुपया। हम लोग पेमेंट की चिंता नहीं है, लेकिन पहले कार्रवाई उन पे होनी चाहिए जो पढ़े लिखे हैं, जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, पहले उन पे होना चाहिए। देख रेख की जिम्मेवारी BDO साहब को है, वार्ड सदस्य को है, वार्ड सचिव को है, सारे पे कार्रवाई हो। और जब पैसा ट्रांसफर करने में ही लोग दोषी है, तो जैसे हम लोग ट्रांसफर किए तो हम लोग के खाते में भी, मुखिया के खाते में भी कोई ना कोई तो ट्रांसफर किया है, उन पे भी कार्रवाई हो। देख रेख की जिम्मेवारी उनकी भी है, कार्रवाई सब पे होनी चाहिए।